वो एक बार में जगाने पर उठ जाता है, वो स्कूल के लिए तैयार भी जल्दी हो जाता है, वो दूध पीने में भी नाटक नहीं करता, वो क्लास में ध्यान से पढ़ाई करता है, उसे कार्टून्स देखना बहुत पसंद है। रुद्र बिदुड़ी, 6 इयर्स। मुझे क्रिकेट सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। मैं एक अच्छा बैट्समैन बनना चाहता हूँ। ऐसे एक दिन मैं मैच देख रहा था बैठे हुआ, ये मेरे को आया, मेरे पर हाथ लगाया। मैंने सोचा छोटा बच्चा है वैसे ही हाथ लगा रहा होगा। उसने दोबारा हाथ लगाया, मेरे से बोलता है पापा आप क्या देख रहे हो? मैंने कहा बेटा मैच देख रहा हूँ। कह रहे इनको छोड़ो आप मुझे देखो, मेरे बारे में सोचो, मुझे इनसे बड़ा प्लेयर बनना है। मैं शॉक हो गया कि क्या कह रहा है, इतना छोटा बच्चा क्या समझता है इन सब बातों को। उस वक्त तो मैंने टाल दिया इसको, मैंने कहा बच्चा है वैसे ही कह रहा होगा। लेकिन हफ्ते दो हफ्ते के बाद फिर इसने रोना शुरू कर दिया, मेरे को बैट बॉल ला दीजिए। जब मैंने इसको खिलाना शुरू किया तो 2-4 दिन के बाद इसका बैट स्ट्रेट आना शुरू हो गया ऑटोमेटिकली। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो बच्चा समझ गया वैसे ही खिला रहा था टाइम पास कराने के लिए। फिर मैंने थोड़ा सा इसको आइडिया दिया, ऐसे खेलो ऐसे खेलो, जितना मैंने बताया उससे ज़्यादा इसने मेरे को खेल के दिखाया। रुद्र की इस लगन और प्रतिभा को देखते हुए उसके पिता ने अपनी नौकरी छोड़ दी, और ये पिता के इस विश्वास और रुद्र की कड़ी मेहनत का फल है कि उसे दिल्ली 11 एकेडमी की अंडर-14 टीम में खेलने का मौका मिला। फर्स्ट डे जब मैं इसको स्टेडियम दिखाने लेके गया था कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ प्रैक्टिस कहाँ होती है क्रिकेट की, वहाँ भी जो अकेडमी के ऑनर्स थे उन्होंने भी देख के यही कहा था कि नहीं सर इतने छोटे बच्चे को नहीं खिला सकते हम, आप अभी वेट कीजिए। लेकिन जब इसको खिला के दिखाया तो वो हैरान हो गए थे कि यार ये क्या करूँ इसका मैं। वही इसकी मम्मी ने किया, इतने छोटे से बच्चे को क्या इरादा है तुम्हारा, इसको मारने का इरादा है क्या? सबसे बड़ी बात यही है कि आज अकेडमी में हम बड़े बड़े बच्चों को जो चीज़ समझाते हैं वो 10 दिन में नहीं समझते, और ये दूसरे दिन करके दिखा देता कि ये लो। इतनी अच्छी बैटिंग शायद उसकी एज में कोई करता होगा, काफ़ी अच्छे शॉट सिलेक्शन वगैरह इतनी कम एज में उसने सीख लिए हैं। शायद मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि अगर मैं इतनी एज में होता तो शायद मुझसे बैट पकड़ना भी नहीं आता, लेकिन वो इतने अच्छे शॉट खेलता है, उसे देख के लगता है कि फ्यूचर उसका ब्राइट है। पूरी अकेडमी इसी के नाम से जानी जाती है, जहाँ भी हम जाते हैं हम यही बोलते हैं कि हम वहाँ प्रैक्टिस करते हैं जहाँ रुद्र बिदुड़ी प्रैक्टिस करता है। पर एक बात रुद्र के परिवार को लगातार परेशान करती है कि इन सब वजहों से कहीं उसका बचपन उससे छिन ना जाए। बस इसकी एज को लेके ही परेशानी आई कि इस एज में हमें शायद नहीं कराना चाहिए था। नहीं ऐसा ना हो कि ये बड़ा होकर मेरे से कह दे कि क्रिकेटर तो आपने मुझे बना दिया लेकिन मेरा बचपन खो दिया, क्योंकि उसकी एज अभी वही है, कार्टून देखे, अब छोटे छोटे बच्चों के साथ खेले, थोड़ा सा डर लगता है कि 14 साल का बच्चा बॉल डालेगा तो बॉल लग सकती है उसको, इसलिए सोचते हैं। लेकिन एज ए कोच फिर सोचते हैं कि अगर बच्चा इतना अच्छा कर रहा है तो हमें उसे नहीं रोकना चाहिए, अगर आज रोक देंगे हो सकता है उसका दिमाग फिर वहीं रुकना शुरू हो जाए। रूस से हमें यही उम्मीद है कि हम चाहते हैं और हमारी कोशिश भी है कि हमारे भारत देश का नाम करें, सचिन सर की तरह रिकॉर्ड बनाएं, खेले, यही हमारी उम्मीद है।